इस बीच एक और बड़ी खबर से बाखबर आपको कर दें, किसान तहरीक में शामिल हो गए हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह। सिंघू बॉर्डर पर तहरीक में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कानून वापस नहीं लिए तो खेल रत्न लौटा दूंगा, ये कहना है बॉक्सर विजेंद्र सिंह का। राजीव गांधी खेल रत्न एजाज वापस लौटा दूंगा, किसानों के बीच सिंघू बॉर्डर पहुंचकर ये बड़ी बात कही बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने किसानों की तहरीक में शामिल होकर खेल रत्न अवार्ड वापस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के मुतालबात मुकम्मल नहीं हुए तो खेल रत्न लौटा दूंगा। किसानों के बीच सिंघू बॉर्डर पहुंचे विजेंद्र सिंह और तब उन्होंने ये बात कही। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, बॉक्सर विजेंद्र सिंह किसानों की तहरीक में शामिल हो गए हैं। सिंघू बॉर्डर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो राजीव गांधी खेल रत्न एजाज वापस लौटा देंगे। तो अवार्ड वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है किसानों की तहरीक के साथ ही। आपको बता दें कि आप बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अवार्ड लौटाने की बात की है, इससे पहले प्रकाश सिंह बादल ने अपना अवार्ड वापस लिया। तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे नाजरीन, बॉक्सर विजेंद्र सिंह शामिल हो गए किसानों की तहरीक में। सिंघू बॉर्डर पहुंचे वो और यहां पहुंचकर उन्होंने किसानों की हिमायत करने का ऐलान किया। साथ ही एक बड़ा ऐलान ये किया कि अगर किसानों के मुतालबात नहीं माने गए तो फिर वो अपना खेल रत्न अवार्ड वापस लौटा देंगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस लौटाने की बात की उन्होंने।